नमस्ते, चैनल को स्वागत है। आइए देख लेते हैं, आपके लिए जॉब है PSPCL में, बहुत सारा वैकेंसी है। ओके, जैसे कि टोटल यहाँ पर आप देख रहे हैं कैटेगरीज 549 पोस्ट है आरए एंड क्लर्क के लिए। ओके, एंड पर जेई इलेक्ट्रिकल 1700 पोस्ट, इसे बहुत सारा पोस्ट है, हम वन बाय वन देखेंगे। उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल व्यू कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको कुछ मनी नहीं लगता, मेन थोड़ा लेकिन एनकरेजमेंट मिलता है आपके लिए इसी तरह वीडियो लाने के लिए। चलिए देख लेते हैं क्या क्या डिटेल्स है। देखिए, जो PSPL से है वहाँ पर, ये बाय द गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। ओके, देन यहाँ पर वैकेंसी आरए के लिए वैकेंसी है, क्लर्क के लिए है, नॉन टेक्निकल जो है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट लाइनमैन, असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट, ये सब के लिए है। वहाँ पर आप May 31st से अप्लाई स्टार्ट कर सकते हैं, June 20 तक अप्लाई कर सकते हैं। फिर फी पेमेंट के लिए आपको July 2nd तक है। उसमें देखिए, नॉन टेक्निकल पोस्ट जनरल के लिए है, उसमें आरए के लिए है, क्लर्क के लिए है, फर्स्ट कॉलम टोटल पोस्ट है एंड सेकंड कॉलम रिजर्वेशन पर वोमेन। ओके, क्लर्क भी सेम है, फर्स्ट टोटल पोस्ट है एंड देन सेकंड इज रिजर्वेशन वोमेन। जनरल में देखिए 12 टोटल है, 3 रिजर्वेशन वोमेन, देन जनरल में क्लर्क में 214 टोटल है, 60 वोमेन के लिए रिजर्वेशन है। इस टाइप का ब्रेकअप वैकेंसी है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, दिस इज द रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड क्लर्क। ओके, देन टेक्निकल पोस्ट, दैट इज द जेई इलेक्ट्रिकल ALM एंड ASSE, उसमें टोटल 170 पोस्ट है। ओके, देन आप देख सकते हैं टेबल बी में पोस्ट ऑफ जेई इलेक्ट्रिकल ALM एंड ASSE, दैट इज 1700 है टोटल, जो कि रिजर्वेशन कैटेगरी है, उनके लिए ऑल्सो एज रिलैक्सेशन है। ओके, उसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन पहले देख लेते हैं। देखिए, आरए रेवेन्यू अकाउंटेंट के लिए असिस्टेंट क्वालिफिकेशन फुल टाइम रेगुलर बीकॉम है, ओके, विथ मिनिमम 60% मार्क, और फुल टाइम MCOM विथ मिनिमम 50% मार्क, देन CA इंटर और ICAA इंटर। देन क्लर्क के लिए है बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी बैचलर डिग्री, अप्लाई कर सकते हैं, एंड पोजेसेस एटलीस्ट 120 आवर्स कोर्स विथ हैंड्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द यूज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका टेक्निकल पोस्ट जेई इलेक्ट्रिकल ALM, जूनियर इलेक्ट्रिकल जो है फुल टाइम रेगुलर 3-4 आवर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, असिस्टेंट लाइनमैन के लिए मेट्रिकुलेशन है, और हायर एजुकेशन डिग्री डिप्लोमा एक्वायर कर सकता है ASSE असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट। उसमें फुल टाइम रेगुलर कोर्स इन ITI और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन है, फुल टाइम रेगुलर और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नॉलेज ऑफ पंजाबी चाहिए, देखिए मतलब पास्ट पंजाबी एटलीस्ट और एटलीस्ट मेट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट, एज लिमिट है 18 to 37 है, रिलैक्सेशन बोला था अकॉर्डिंग टू दी कैटेगरी रिलैक्सेशन है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं। आरए के लिए रेवेन्यू अकाउंटेंट के लिए डिग्री लेवल फाइनेंस अकाउंटेंट के लिए 70 क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज 10 क्वेश्चन, लॉजिक रीजनिंग 10 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन। क्लर्क के लिए स्टैटिक करंट अफेयर्स जनरल टोटल मिला के 20 क्वेश्चन है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का 10 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग 25 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन, जनरल 20 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन। जे इलेक्ट्रे ALM ASSE उनके क्वेश्चन रिलेटेड टू कंसर्न डिसिप्लिन 70 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज 10 क्वेश्चन, रीजनिंग 10 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन है। ये एग्जामिनेशन दैट विल बी ऑनलाइन एग्जामिनेशन। देन फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन आरए असिस्टेंट ALM एंड असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट के लिए सिंगल फेज में एग्जाम होगा, लेकिन जो क्लर्क जेई इलेक्ट्रिकल उसमें 2 फेज एग्जाम होगा, प्रिलिमिनरी एंड मेन एग्जाम। ओके, मिनिमम जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 45% क्वालिफाइंग है, रिजर्वेशन कैंडिडेट के लिए 35% है।
ओके, टेक्स्ट बाद आपका फाइनल, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट चेकिंग होगा, ओके, उसके बाद अपॉइंटमेंट मिलेगा, ओके, उसके बाद ट्रेनिंग है मिस कंडक्ट के लिए, ये सभी है, ओके, ये आपके लिए इतना ही इन्फॉर्मेशन था, आज के लिए हम विदाई लेते हैं, फिर नेक्स्ट मिलेंगे और एक जॉब के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।